एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग हस्की इंडिया जीरो। राम राम जी, नमस्कार। और ये व्लॉग जो है ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि ये व्लॉग है केदारनाथ धाम का, हमारी केदारनाथ यात्रा का। और ये व्लॉग बहुत ही रॉ है, रॉ बोले तो बिल्कुल इसमें एडिटिंग नहीं हुई है। अगर हम लोग चाहते या फिर अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती तो हम लोग इसे एडिट करके 10 से 15 मिनट का ही रखते, लेकिन जब ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और नवाब को और रोहन को और मुझे इतना गलत समझा गया तो हमें लगा कि हमें भी तो अपनी साइड रखनी चाहिए। हमने अपनी साइड रखी है, इसको बिल्कुल एंड तक देखना, एक एक चीज देखना, और जो क्लिप्स मैंने इसमें स्लो मोशन रखी है उन पर जरूर ध्यान देना कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों होना, मतलब होना भी नहीं चाहिए था। सिर्फ रोहन को कल्प्रिट बना दिया गया, नवाब को कल्प्रिट बना दिया गया। तो आप जो स्लो मोशन क्लिप्स हैं उन पे ध्यान देना और एंड तक देखना, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और हम लोग निकले हैं घर से केदारनाथ के लिए, लेकिन सबसे पहले हम रुकेंगे मेरठ, क्योंकि आप जो ये देख रहे हो ममता है इस गाड़ी में। मैं और ममता जाएंगे एक साथ, और रोहन और नवाब जाएंगे ध्रुव के साथ। वहां से हम अपनी गाड़ी एक्सचेंज करेंगे। तो पहले जो हमारा स्टॉप है वो मेरठ में है। नहीं तो लेकिन अब यहाँ से व्लॉग बनाने का मतलब भी क्या बनता है? जो स्टोरी थी, जो बजट थी, बता दो, वो हम निकाल चुके हैं। तो डेली का अपडेट कर दो एक एक दिन का। डेली का? अरे तो डे जीरो तो कर दे, हमें पता भी नहीं है हमें जा कहाँ से रहे थे। हाँ यार, शुरू तो हमने ना मनाली में भी किया था, लिया था। हाँ यही बात था। और ये जो ये बंदा दिख रहा है और पीछे जो ये बंदा स्ट्रीट सा बंदा दिख रहा है, इन दोनों को हमने अभी 15 मिनट पहले ऑन रोड रेस्क्यू किया है। एक कर्टेसी ममता थे यार, ठीक है। लेकिन तो फिलहाल तो अभी हम पहुंचेंगे कोटद्वार, सिद्धवली बाबा के दर्शन करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने जो ये वर्ड सुना रेस्क्यू, तो रेस्क्यू क्यों किया हमने? रोहन और नवाब ध्रुव के साथ में थे, लेकिन आगे पता चला कि केदारनाथ में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो ध्रुव का थोड़ा प्लान चेंज हो गया कि देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये लेट निकलते हैं। तो हमने क्या किया, नवाब को और रोहन को दोनों को रेस्क्यू कर लिया, मतलब कि हमने अपनी गाड़ी में ले लिया। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि नवाब को थोड़ा सुसु कराते हैं, थोड़ा आगे रुक के कुछ खाना खाते हैं। नवाब क्या हुआ, लंच करने रुके आप? हाँ लंच खाओगे? तो यहाँ पे है हमारी खाने की थाली और थ्री, ये लड़का नहीं खाएगा। ये इससे पेट भरेगा, बॉडी मोशन सिकनेस, हाँ सॉरी माउंटेन सिकनेस, AMS हो गया इनको। ये हमारा नवाब साहब खड़े हैं, पापा की वेट कर रहे हैं। तो सुबह से निकलते हुए हमें ये टाइम हो गया और अब हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग के पास। यहाँ से रुद्रप्रयाग काफी पास है। नाबू तुझे भी नींबू चाहिए? नाबू नाबू नींबू तो नहीं चाहिए तेरे को? ये क्या चाहिए। तो जब हम अपने बच्चों के साथ में ट्रैवल करते हैं, बच्चे मतलब हमारे पेट्स बिल्कुल बच्चों की तरह ही होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है, और उनको ड्राइविंग में मतलब जब वो ट्रैवल करते हैं स्पेशली पहाड़ों में, तो उन्हें खाना थोड़ा कम देना चाहिए ताकि उन्हें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ना हो, और बीच बीच में उन्हें रुक के सुसु और पोटी ये सब भी कराते रहना चाहिए, और थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देना है कि उनका कम्फर्ट किस में है, बैठ के जाने में या लेट के जाने में। तो नवाब को आप देखो, सुबह से निकला हुआ है, वो इतना एनर्जेटिक है, इतना खुश है, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और वो एकदम एंजॉय कर रहा है। ये देखो, ये हमारी क्यूटी पाई बुग्गी सो गई है मम्मा की गोदी में, और इधर हमारी ममता बोबो आलू भुजिया भुजिया से पेट भर रहे हैं, और रोहन इधर बैठे हैं, इधर अपना यतिन मत छेड़ो मुझे सो रहा, और हम लोग फंसे हुए जाम में भी नहीं, इवन हम चेकिंग में फंसे हुए हैं, क्योंकि केदारनाथ की चेकिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हम लोग गुप्त काशी से पहले हैं, और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गुप्त काशी, और सुबह के निकले हुए। ममता हम किस टाइम निकले थे सुबह? 5 बजे ना?
पाँच बजे हम निकले थे सुबह, और अभी टाइम हो रहा है क्या, 8-9 9:05, और अभी भी टाइम दिखा रहा है 1 घंटा, चेकिंग हो रही है, धीरे धीरे गाड़ियां सरक रही हैं, और जाके सीधा थोड़ा थोड़ा मूव हुआ, चलो 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 चलो, थोड़ा थोड़ा मूव हुआ है ट्रैफिक, और ये देखो बुग्गी को ये थक गया, सुबह से गाड़ी में है, बीच बीच में इसको वॉक भी कराई है हमने, जगह जगह पे रुके भी हैं। ये देखो हमारा ट्रैफिक चला 107.8 किलोमीटर्स, और ये हमारा ट्रैफिक थोड़ा सा सरका, और इतना सरका के बस हो गया, रुक गया। अब हमने यहाँ पे फिर से ब्रेक लगा दिए। चेकिंग है ना, वो रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की चेकिंग होती है ना यहाँ पे, कानूनी पे हो जाएगी। हाँ, आगे एक पुल आएगा लेफ्ट में, उसके बाद में एक चौकी आती है, उसके बाद हमारी गाड़ी का नंबर चेक होगा, जिस नंबर को हमने रजिस्टर किया हुआ था। अरे अभी अभी क्यों लगा दी, छोड़ो। ये क्या हो रहा है, पीछे चली जाएगी। नहीं नहीं, किसी की चली जाएगी। ये क्या हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो गया क्या हमारी गाड़ी में? पेट्रोल फुल है हमारी गाड़ी, हम बचा रहे हैं पेट्रोल, इतना पेट्रोल चाहेंगे, अब गाड़ी ऐसे चलेगी, मतलब लगा दो हैंड ब्रेक, हमने 5 रुपए का पेट्रोल बटा दिया। तो फाइनली हम लोग पहुंचे गुप्त काशी, केदार कैलाश होटल का नाम है जहां पे हमने रात को स्टे किया, और अभी हम लोग पहुंचे हैं सोन प्रयाग, जहां से हमें अपनी चढ़ाई शुरू करनी है अपनी यात्रा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यहां से यात्रा स्टार्ट होनी है। तो इस यात्रा नवाब इस टाइम पहुंच चुका है सोन प्रयाग, और यहां पे भीड़ इतनी ज्यादा है कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूं, हम लोग जहां पे रुके हुए हैं, सुबह 2 बजे मतलब रात को 2 बजे गेट खुलेंगे श्रद्धालुओं के लिए, और तब हम लोग जाएंगे। और केदारनाथ में इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है, जो सब सुनने में आ रहा था कि बहुत भीड़ है बहुत रश है, तो एक्चुअल में अब हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी कुछ फेस भी करना पड़ रहा है कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और फिलहाल अभी बारिश का मौसम है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये यहाँ पर बैरीगेट लगा हुआ है सोन प्रयाग में, ये बैरीगेट है, और यहाँ से आप लोग देख रहे हो कि कहीं भी हम लोगों ने इससे पहले जो स्टे किया है वहाँ पे भी नाबू अलाउड था, बिल्कुल भी ऐसा कुछ पूछना ही नहीं पड़ा कि डॉग है तो अलाउड होगा नहीं होगा, पेट फ्रेंडली है। मैं आपसे पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि पहाड़ों में अपने बच्चों के साथ में आना बहुत इजी है, बहुत पेट फ्रेंडली है सब लोग, कोई भी मुंह नहीं बनाता है अपने बच्चे को देख के, सब लोग खुश हो जाते हैं, और इवन बहुत पॉजिटिव, मुझे तो बहुत पॉजिटिव लगता है जब मैं नवाब के साथ में ट्रैवल करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो नवाब ना हर जगह जहाँ भी जाता है प्यार इसको मिल ही जाता है। अब ये हम लोग तो इधर लेटे हुए हैं, और ये हमारे पड़ोसियों के पास पहुँच गया प्यार के लिए, ये देखो इनके बेड में बैठा हुआ है नवाब, पता कहाँ पे है, इधर देखो हमारे पास नवाब ने दोस्ती कर ली पड़ोसियों से। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बाबा के दर्शन के लिए सोन प्रयाग से, और गौरीकुंड तक पिकअप वैन्स आती हैं जिसमें नवाब अलाउड था, नवाब भी आया हमारे साथ में, हम यहाँ गौरीकुंड में आके उतरे हैं, और यहाँ से अब हमारी यात्रा शुरू होती है जो कि हम पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं, नवाब मैं रोहन ममता और यतिन, तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं बाबा के दरबार। तो सुबह के बज गए 5, हम लोग निकले थे 2 बजे गौरीकुंड से, और नवाब तो आगे निकल गया भाई, जैसा कि सबको पता है नवाब को कोई नहीं पकड़ सकता, नवाब और पापा दोनों आगे चले गए, मम्मा पीछे रह गई है, लेकिन वो लोग आगे कहीं पे मेरा वेट कर रहे होंगे, मम्मा के लिए हमेशा रुक रुक के चलता है वो। और अभी तो ये व्यू है, तो हम लोग पहुंच गए हैं रामबाड़ा, और ये यहाँ से ब्रिज है, क्रॉस करके जाएंगे आगे, नवाब फिर से आगे हैं मुझसे। तो आप लोग व्यू देख रहे हो कितना ज़्यादा मनमोहक है, और ये जो नदी है ये है मंदाकिनी, और अभी पता चला है कि कोडी और ध्रुव हमसे आगे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने रात को रुक के स्टे कर लिया था, हम लोगों ने रेस्ट किया था, लेकिन उन लोगों ने रेस्ट नहीं किया, वो डायरेक्ट निकल गए थे यात्रा के लिए,
तो वो लोग पहुंच चुके हैं, हमें श्रद्धालु ने ही बताया कि एक और हस्की पहुंचा है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा नाबू मेरा बच्चा कहीं ना कहीं वेट कर रहा होगा आगे, तो नवाब इस व्यू पे यहाँ इस ब्रिज पे रुका हुआ था मेरे लिए और मेरी वेट कर रहा था, और मेरे को देख के एकदम सुपर एक्साइटेड हो जाता है कि मम्मा आ गई फाइनली। तो नाबू वेट कर रहा था और यहाँ पे देखो ये जो नदी है, इतनी प्यारी इसकी आवाज थी पानी की, जल की, कि नाबू भी देख रहा है, नाबू भी इंजॉय कर रहा है, हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। और इतना इजी भी नहीं होता है पता है ट्रैक करना, पैदल जाना, ये पैदल यात्रा बहुत कठिन होती है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर आपने माइंड सेट है कि आपको यात्रा करनी है तो फिर भगवान भी आपका साथ देता है। और ये देखो यहाँ पे अभी कीचड़ दिखा ना, तो नाबू देखो साइड हो गया एकदम कि मामा कीचड़। तो आप लोग देख ही सकते हो कि नाबू को और हम सबको कितना प्यार मिल रहा है, हम लोगों को जो इतना टाइम लग रहा है जाने में, उसका रीजन ये भी है कि सब लोग नाबू को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना फोटो क्लिक कर रहे हैं, उसको इतना पैम्पर कर रहे हैं कि नाबू पूरे रास्ते सेल्फी देता हुआ जा रहा है और इतना अच्छा लग रहा है ना हमें भी और नवाब को भी। और थोड़ा थोड़ा बीच में ना इस वजह से हमारा थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा लेट भी हो जाते हैं हम लोग। अब तो नवाब का भी ऐसे हो गया, बस करो भाई और सेल्फी नहीं देनी, मैं परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ, मुझे बाबा के दर्शन करने हैं, बस करो पैपराजी। लेकिन देखो ना सब लोग कितना प्यार कर रहे हैं, कितने खुश हैं उससे मिलके। और ये देखो कितना प्यारा नजारा है, कितना प्यारा झरना है। मैं तो यहाँ पे 5 मिनट रुकी हूँ और रुक कर देखा है इस झरने को, आंखें अच्छे से आंखों में कैद कर लिया, क्योंकि ये जो व्यू है ना ये किसी भी कैमरे में, किसी भी फोन में, किसी भी लेंस में कैप्चर नहीं हो सकता। ये सिर्फ कैप्चर हो सकता है तो हमारे आंखों के लेंस में, जो हम हमेशा लाइफ टाइम याद रखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि नवाब को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खिला देते हैं, क्योंकि जब हमने ट्रैक स्टार्ट किया था तो उसे थोड़ा सा लाइट खाना खिलाया था, राइस और कर्ड। तो अभी हम उसे रुक के ड्राई फ्रूट खिलाएंगे। और आप लोग देख सकते हो कि ये जो भाई है बेचारा, ये कैसे थका हुआ है, देखो कैसे सांस ले रहा है। तो इतना भी ईजी नहीं होता है ये ट्रैक, लेकिन नवाब बहुत इंजॉय करता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, मुझे इन खच्चरों को देख के बहुत ही तरस आता है। पूरे रास्ते में अपने आप में ना एक विचार ही करती चली गई कि यार ये कितने बीमार हैं, कितने परेशान हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ढोया जा रहा है। तो इन्हें देख देख के बहुत बुरा लगता रहा मुझे पूरी यात्रा में। और एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो हमारा जो नाबू है ना, वो जैसे इन खच्चरों को देखता है, वो कोई सामने से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, तो इनसे ना बहुत अच्छे से बच बच के चलता है। इसको आता है कि कैसे चलना है इनसे बच के। और देखो यहाँ पे एक और भैया मिल गए जो नाबू नाबू, हम सोच रहे हैं कि कौन आवाज लगा रहा है नाबू, इन्होंने आवाज लगाई नाबू नाबू, और नाबू एकदम रुक के नीचे देख रहे हैं कि अरे मुझे कौन बुला रहा है। यहाँ पे भी नाबू के चाहने वाले मिल गए, हमें बहुत लोग मिले हैं नवाब की फैमिली से यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे नाबू की वजह से नाबू के बापू को भी लाइमलाइट मिलती है, रोहन के साथ भी फोटोज क्लिक कराई जा रही है। और ये देखो भाई इसको मिल गई भेड़, और अब तो ये हो गया पागल कि मुझे खेलना है इनके साथ। और ये है भी बहुत सारी और बहुत ही प्यारी है। तो फाइनली सबसे मिलते मिलाते लो भाई एक और चाहने वाले मिल गए नाबू के। हम लोग पहुंचने वाले हैं केदारनाथ धाम और करेंगे बाबा के दर्शन। और ये फाइनली हम लोग पहुंचे हैं बाबा के पास। नाबू एकदम खुश, एकदम एक्साइटेड कि ये महादेव मैं आ गया आपके पास, मैं कितना लक्की बच्चा हूँ कि आपके दर्शन करने पहुंचा हूँ। और ये है हेलीपैड, जो लोग खच्चरों से, जो लोग पालकी से नहीं आ सकते वो लोग हेलीपैड से, अपना हेलीकॉप्टर से आए। और इसकी बुकिंग तो बहुत ही एडवांस चल रही है भाई, लेकिन हम लोग आए हैं अपनी पैदल यात्रा करके, जिसमें सबसे ज्यादा शांति है। तो इस जगह को ऐसे ही स्वर्ग नहीं बोला जाता, ये एक्चुअल में स्वर्ग है, देखो आप लोग खुद ही। और नाबू बहुत ज्यादा खुश है और पहुंचा है अपने पापा के साथ बाबा जी के दर्शन करने, और हम लोग बहुत खुश हैं। जय हो बाबा की। फाइनली जिस मंदिर को, जिस जगह को आज तक रील्स में देखा, यूट्यूब व्लॉग्स में देखा, लोगों की फोटोज में देखा, लोगों के लाइव में देखा, आज वो पहली बार आंखों के लेंस देख रहे हैं, तो मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी, कितनी एक्साइटमेंट। और जो अरे भाई हटो हटो हटो, भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हो ना कितने, जो खुशी और जो एक पॉजिटिव वाइब्स आई है ना, सारी थकान चली गई था, सारी की सारी थकान मिट गई है। जो हम ट्रैक करके आए हैं ये 22 किलोमीटर्स का, ये सारा का सारा थकान दूर हो गया। और अभी नवाब जो है, नवाब टेम्पल पर बैठा है पापा के साथ में, मैं वहाँ जा रही हूँ और उसको पकड़ूंगी, देन रोहन दर्शन कर पाएंगे,
और फिर रोहन उसे पकड़ेंगे, फिर मैं दर्शन कर पाऊंगा। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है केदारनाथ धाम में। आप लोग खुद देखो, दर्शन कर सकते हो। ये जगह इतनी प्यारी, इतनी पवित्र है कि नाबू बैठ के वेट कर रहा है पापा के साथ। ये देखो नवाब दिख रहा है कहीं पे? नवाब दिख रहा है आपको? पापा के दर्शन करने आया नवाब। नाबू, नवाब, ओ ट्रीट कर रहा है बच्चा। आगे मम्मा आ गई। गंदा फीवर हो रखा है। हाँ मुझे पता है, आप रस स्ट्रेचिंग मम्मा लेट हो गई ना, आप इतना चलते। मम्मा थोड़ा ना हंसकी है, नवाब भी तो हंसकी है ना, देखो इधर। तो यहाँ से शुरू होता है नवाब को प्यार मिलने का सफर। सफर तो खैर नीचे से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि नवाब को सब कितना प्यार कर रहे हैं, कितना पैम्पर कर रहे हैं। नवाब भी कितना खुश है। और आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो जगह, एक जो मुद्दा बना है जूतों का, तो यहाँ पे आप सभी के पैरों की तरफ देख सकते हो। उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या मुद्दा है और क्या नहीं, क्योंकि ये मंदिर के बाहर का एरिया है, यहाँ पे सभी जूते पहन के रखते हैं। और यहाँ पर बोला गया कि कुछ श्रद्धालुओं की जो भावना थी वो आहत हो गई है, तो अभी तरीके से आहत होना तो बहुत ही अच्छी बात है कि इतना प्यार मिलना। देखो कितना प्यार मिला है नवाब को, और आप सभी के देख सकते हो कि सबने ही जूते पहने हुए, क्योंकि मंदिर के बाहर का एरिया है। मंदिर में तो कोई भी जूते ना लेकर जाता है ना लेकर जाएगा, और ना ही रोहन लेकर गए थे। नंदी जी के पास खड़े थे जहाँ पे बहुत सारा जूतों का ढेर था ऑलरेडी। तो ये देखो नवाब एक और सेल्फी देते हुए, एक और पोज देते हुए। और नवाब को इतना प्यार मिला है धाम में, इतना प्यार मिला है कि हमें आज तक इंडिया में किसी भी जगह पर नहीं मिला। पंडितों से, पुलिस कर्मियों से, श्रद्धालुओं से, और फिर मुझे समझ नहीं आता कि किन श्रद्धालुओं की भावना ठेस पहुंची है, क्योंकि श्रद्धालु तो ये भी है ना जो 22 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंचे हैं। और यहाँ पे बापू बेटा भगवान को हाथ जोड़ते हुए, नमस्ते करते हुए, अपनी हाजिरी लगाते हुए कि बाबा हम आ गए, आपने बुलाया। और आपने भी देखा कि नवाब को, देखो देखो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि सब कितना प्यार कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उसको पैम्पर कर रहे हैं। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि नवाब को कितना प्यार मिला है धाम में। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो में आप जितना हो सके तो लोगों की ना जूतों पे नजर डालना, इस पैरों की तरफ नजर डालो आप, और आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। पंडित जी के पैर देख लो, पंडित जी ने क्या पहना हुआ है, क्योंकि ये इतनी ठंड में, इतने माइनस टेम्परेचर में कौन 5 से 6 घंटे नंगे पैर खड़े हो सकता है। मंदिर में जाने के लिए तो आप लोग उतारोगे ही, वो सिर्फ एक 5-10 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको वहां पे 5 घंटे बैठना है तो आप नंगे पैर कैसे बैठ सकते हो माइनस टेम्परेचर में। तो ये देखो रोहन आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, और आप देखना कि पंडित जी खुद ही कैसे रोहन को और नवाब को अपनी तरफ बुला रहे हैं कि आओ बेटा आकर आशीर्वाद लो, टीका लगवाओ। आप लोग खुद ही पंडित जी के हाथ की तरफ इशारा करते हुए देखो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो नाबू चला बाबा के दर्शन करने, बाबा की ब्लेसिंग्स लेने। और यहाँ पे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आप नेगेटिव पॉइंट्स ना ढूंढ के यहाँ पे पॉजिटिविटी देखो कि हम नवाब को कितना अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, बच्चे की तरह मानते हैं, तो ब्लेसिंग्स भी बच्चे की तरह ही मिलनी चाहिए। उसको साथ में लेके जाना, उसको ट्रैक करवाना, और जब वो थक जाए तो उसे गोदी उठाना। और पंडित जी से सेम ब्लेसिंग्स हमें मिली है, और सेम ब्लेसिंग्स हमारे नाबू को मिली है। तो देखो कितने प्यार से पंडित जी ने टीका लगाया नवाब को, और नवाब ने भी मत्था टेका है भगवान के सामने। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो कंट्रोवर्सी हुई। तो रोहन ने जूते पहने हुए हैं, आप साथ में देख सकते हैं जो बंदा खड़ा है उसने भी जूते पहने हुए हैं। अंदर जो पुलिस कर्मी है, आप आगे देखोगे वीडियो में, हमने स्लो मोशन किया हुआ है इसीलिए, उसने भी जूते पहने हुए हैं। और जो पंडित जी हैं उन्होंने चप्पल पहने हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रोहन को हेट क्यों, रोहन को गालियां क्यों? बाकी सब भी तो है वहां पे, बाकी और भी लोग भी हैं, और वो मंदिर के बाहर की जगह, ना कि मंदिर के अंदर की। आप ये देखो ध्यान से, जो दूसरा बंदा ब्लू कलर के शू पहन के खड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो फिर से आएगा, स्लोमो किया है, क्योंकि यहाँ पर जब मेरे शू है, मेरे शू के जस्ट बराबर में देखेंगे आप तो उस बंदे के भी शू नजर आएंगे आपको। तो आप लोग देख ही सकते हो कि रोहन की बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि जूते पहने हैं, जूते पहने हैं, जो पंडित जी ने पहने हैं या जो पुलिस कर्मी ने पहने हैं। लोगों ने कहा है जो कभी केदारनाथ नहीं गए हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, क्योंकि मंदिर के बाहर का परिसर है जहां पर सिर्फ लोग शू अपने उतारते हैं।
और ये मंदिर के अंदर वाली जगह नहीं, मंदिर के बाहर की है। और ये इस बात वही लोग समझ पाएंगे जो केदारनाथ धाम गए हैं, जिन्होंने ये जगह देखी है। अदरवाइज बोलने को तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे और बोलते रहेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे एक आप पुलिसकर्मी देखोगे, उन्होंने जूते पहने हुए हैं, ठीक है। और नाबू देखो, नाबू कितना क्यूट लग रहा है, हमारा ब्लेसिंग्स लेता हुआ। और ये जो नरोहन के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है, ये जूते पहन के खड़ा हुआ है, इसीलिए स्लोमो किया हुआ है। और नाबू को जो इतना प्यार मिला है वहां पे, और देखो नाबू इतना परिक्रमा कर रहा है पापा के साथ में, इतना। और अभी आप देखना कि पीछे एक पुलिसकर्मी दिखेगा आपको, उसने जूते पहने हुए हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी और बहुत ही कॉमन बात है वहां पे, क्योंकि मंदिर के बाहर कह रहे हैं। आप लोग देख रहे हो मंदिर कहाँ पे है, रोहन कहाँ पे है, नाबू कहाँ पे है। मंदिर के अंदर तो कोई भी जूते नहीं पहन के जाता है, लेकिन जो बाहर है, अगर बाहर जूते पहने हैं, शू पहने हैं, तो उसमें इतना बड़ा मुद्दा ही क्या है, इतनी बड़ी बात ही क्या है। कि अगर ऐसा होता कि रोहन सिर्फ अकेले बंदे हैं जिसने जूते पहने हुए हैं, बाकी वहां पे सब नंगे पैर हैं, तो बात भी ठीक। वहां पे सभी श्रद्धालुओं ने पहने हुए हैं, पंडित जी ने पहने हुए हैं, पुलिसकर्मियों ने पहने हैं, तो इस बात को इतना मुद्दा बनाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। बाकी मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगी कि जो केदारनाथ धाम गए हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि जगह कौन सी है, कहाँ पे है, तो वो अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे चप्पल या जूते पहनने को इतना बड़ा क्राइम नहीं हो जाता, ये इतना बड़ा पाप नहीं हो जाता है। तो नाबू को देखो, नाबू को बहुत प्यार मिला है, नाबू ने बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स भी लिए हैं वहाँ पे, और बाबा ने अपना आशीर्वाद बनाया भी है। और यहाँ से देखो आप, मैं मंदिर में जो गया हूँ वो अकेले गया हूँ, यहाँ से मंदिर का परिसर स्टार्ट होता है, मैं अभी अंदर हूँ, हिमशु नवाब को लेके बाहर खड़ी हुई। और उसके बाद जब रोहन दर्शन करके आए हैं, मैं अंदर गई हूँ। यहाँ पे आप सुन सकते हो, रोहन ने बोला है कि शू देख लेना हिमशू, और नाबू जो परेशान हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि रोहन को अंदर मंदिर के अंदर जाते हुए देखा है, तो टेंशन में आ गया कि पापा कहाँ चले गए हमें छोड़ के, मम्मा को और मुझे बाहर छोड़ दिया और खुद से अकेले अंदर चले गए। तो ये रोहन के लिए परेशान हो रहा है कि पापा अंदर कैसे चले गए। और यहाँ पे देखो बाबा का केदार धाम के दर्शन, और अभी हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि 500 मीटर ऊपर है मंदिर। और भैरव बाबा का जो मंदिर है, उसके लिए मुझे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, एक एक बंदे को पता है कि भैरव जो देव हैं, उनके कुत्ते से क्या रिलेशन है या एक डॉग से क्या रिलेशन है। तो हम लोग चले बाबा के दर्शन करने, और यहाँ पे इतने अच्छे और इतने प्यारे दर्शन हुए हैं, और मौसम इतना अच्छा था, और नवाब ने जो ब्लेसिंग्स ली है ना, मैं बार बार कहूंगी, और भी डॉग है, क्योंकि भैरव देव का मंदिर है, वो मंदिर है, जानवरों को कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अब ये अंदर जाएंगे ये अंदर नहीं जाएंगे। तो जब भगवान ने जीव बनाए हैं, तो हम इंसान कौन होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने वाले। और देखो यहाँ पे नवाब कितना प्यारा सा पोज बना के बैठा है पापा के साथ में, कि हाँ मुझे भी ऐसे पूजा करनी है, मुझे भी मम्मा की तरफ देखना है। और यहाँ पे नवाब ने बहुत इंजॉय किया, और नवाब को बहुत ब्लेसिंग्स भी मिली। और बार बार मेरा मकसद यही है अपने बच्चे को दर्शन कराने का, क्योंकि हम उसे अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह पालते हैं, वो हमारे लिए हमारा बच्चा है, तो इसलिए हम उसे साथ में लेके गए, इसलिए उसे आशीर्वाद की जरूरत थी, क्योंकि अगर हमें है तो उसे भी है, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए तो उसे भी चाहिए, इसलिए वो हमारे साथ में गया। और ये देखो यहाँ पे नाबू के फॉलोवर फिर से मिल गए, नाबू देने में लगा हुआ है सेल्फीज फोटोज, नाबू इतना परेशान हुआ है ना पूरे उसमें, कि भाई कितनी फोटो लोगे, कितनी फोटो क्लिक करोगे, लेकिन ये खुश भी रहता है इन सब चीजों में, ये सब काम में बहुत खुश रहता है, बहुत इंजॉय करता है। इन लोगों ने हमें पहचान लिया कि अरे नाबू आप यहाँ पे, जो सारे दिन की परेशानियां थी जितना हम परेशान हुए थे, लेकिन दर्शन और ये नजारा देख के सब सही हो गया। ये भीमशिला आप सबने देखा है केदारनाथ मूवी में, ये वही पत्थर है जिसने आके बोलो उसके बहाव को दो पार्ट में कर दिया था। मंदिर की लाइटें जली हैं क्योंकि अभी आरती हो रही है, और आरती का इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे कि दिल खुश हो जाए। चलो इतना लंबा ट्रैक करके जो परेशानियाँ या जो कष्ट मिलते हैं वो सब आके ख़त्म हो जाते हैं। देखो क्या नज़ारा है, और नवाब को हर जगह प्यार मिल रहा है। हाँ जी,
नवाब के वही फॉलोवर्स मिल गए, वो भागे भागे आए दूर से आवाज़ लगाते हैं। आप खुद देख सकते हो इस व्लॉग में कि नवाब को कितना प्यार मिला है वहाँ पे, तो हम लोग कैसे डिनाई कर दें, कैसे मना कर दें कि नहीं हमारे साथ वहाँ पे कुछ गलत हुआ है। हमारे साथ वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ, सबने बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, मान दिया। और ये सिर्फ एक आधे घंटे का व्लॉग है, तो आप लोग देख के कितना आपको दिल गदगद करेगा कि वाह नवाब को इतना प्यार मिल रहा है। हमने 3 दिन वहाँ पे जिए हैं, एक एक पर्सन ने, एक एक बंदे ने हमें इतना प्यार दिया है, हमारे नवाब को इतना प्यार दिया है। भैरव बाबा का ऐसे रूप बताया गया है, भैरव बाबा को इतना प्यार दिया है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। आप लोग खुद एक छोटी सी इन क्लिप्स में ही देख सकते हो कि सब लोग कितने खुश थे नवाब को देख के वहाँ पे। तो आप खुद ही डिसाइड करो कि क्या ये कॉन्ट्रोवर्सी होनी चाहिए थी। तो ये है रात का नज़ारा बाबा के धाम का, और इतनी लंबी लाइन है, और मैं आपको लेके चलती हूँ अपने रूम पे, वहाँ दिखाती हूँ कोडी है और सब लोग हैं कि वहाँ पे कैसा है सब कुछ। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे कोई भी लग्जरी और ये सब कुछ फैंसी चीज़ें नहीं होती हैं, आपको बहुत ही मिनिमल चीज़ों में रहना होता है, एडजस्ट करना होता है। और आप रूम हमारा देख ही सकते हो कि इसमें हम लोग 8-10 लोग सो रहे हैं एक एक गद्दे पे, और नाबू और कोडी लगे हुए हैं खेलने। और कोडी कह रहा है कि नहीं मुझे ताऊ जी के साथ ही खेलना है, ताऊ जी बोले तो रोहन उसके ताऊ जी लगते हैं। और नाबू को हो रहा है कि भाई खेल लेना, ये सब लोग खेल रहे हैं, इनके गेम को मैस करते हैं हम दोनों भाई मिलके। और ये इसने किया भी है नाबू ने, 2-3 बार ये लोग जो ऊनो खेल रहे हैं, ऊनो के जो कार्ड्स हैं, इन्हें इतना डिस्ट्रॉय कर दिया कि इन लोगों का गेम ही खराब हो गया 1-2 बार तो। और इधर साइड में जो है वो लैला सो रही है, लैला ने 1 बार भी उठ के नहीं देखा है। लैला है ब्लैक लेब्रा, और ये नाबू उसी को उठा रहा है बार बार कि लैला उठ जा यार उठ जा, खेलते हैं। और इधर रोहन और कोडी खेल रहे हैं, और यहाँ पे कोडी ने रोहन को बाइट भी कर लिया था, उसका हम एक फोटो है आपको शेयर करेंगे। और ये देखो कोडी को देखो आप, नाबू लगा हुआ है। अच्छा मेरे को खुजली करो, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। इसने नाबू ने पता क्या किया, ये लोग गेम खेल रहे थे, उनके गेम को खराब करके और वहीं पे बैठ गया जहाँ पे ये लोग खेल रहे थे। और जो खाने का है ध्यान, बच्चों के खाने का ध्यान भी आपको रखना है ऐसी जगह पे जब हम लेके जाते हैं उनको, थोड़ा लाइट फूड, फिर जब वो ट्रैवल कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, तो उनका पेट भरने लायक हम लोगों ने ड्राई फूड भी कैरी किया, थोड़ा पाउच वाला फूड भी कैरी किया। और यहाँ पे ये देखो कोडी बोल रहा है कि मुझे ना नवाब के साथ में लड़ना है, लेकिन सब कोडी को मना कर रहे हैं कि रहने दे भाई रहने दे। और ये ऑलरेडी एक बार कांड कर चुका है रोहन के साथ में, और इसके बाद में जब इसने काट लिया रोहन को, फिर ये गिल्टी फील कर रहा है, सामने आके बैठ गया मुंह लटका के कि सॉरी ताऊ जी गलती हो गई मुझसे। और रोहन को देखो प्यार से डांट रहे हैं, क्या किया तूने, ये गंदे बच्चे क्यों काटा तूने मेरे को, हाँ मैं तेरा ताऊ लगता हूँ, तूने मुझे ही काट लिया। तो अब ये एक्चुअली में गिल्टी है, इसे फील हुआ। और अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, ये नज़ारा है सुबह का, मैं मंदिर में आई हूँ, यहाँ पे जो हमारे जो बाबा को नहलाया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, तो जो उनका जल है, जो वो जल आता है निकल के, तो यहाँ पे एक कुंड है आप देख सकते हो, ये इसके अंदर वो जल आता है, और हम लोग इसे एक बोतल में या अपने हाथ में लेके, आप देख रहे हो ये जल अंदर से आया है जहाँ पे बाबा को स्नान कराया गया है। तो मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली और उसमें ये जल कलेक्ट किया घर पे ले जाने के लिए मम्मी को, और अपने घर में मंदिर में रखने के लिए। और फिर भीमशिला को फिर से प्रणाम किया, क्योंकि बाबा के मंदिर में आने का मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ सकती। हम लोग जितने टाइम वहाँ पे रुके थे, तो मैं सिर्फ रात को सोई हूँ 4-5 घंटे, अदरवाइज बार बार आके मेरा मन किया जा रहा था कि मैं बार बार मंदिर की तरफ आऊँ, मंदिर के बाहर बैठूँ। और मैं बैठी भी कई कई घंटे मंदिर के बाहर, मैं, रोहन, नवाब, हम तीनों बैठे रहे, कभी भीमशिला को देख रहे, कभी मंदिर को देखते। तो जो एक खुशी थी ना, मतलब मैं आपको फिर से नहीं बता सकती हूँ कि जो लोग वहाँ जा पाते हैं ना, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होता है, सिर्फ वही बता सकते हैं
कि यहाँ पे जो दर्शन करने के जो सौभाग्य है उसकी जो खुशी है वो एक अलग ही लेवल पे होती है। मेरा तो मन ही नहीं था वापस आने का, ऐसे लग रहा था कि एक दिन और रुक जाती हूँ या एक दिन और रुक जाती हूँ, लेकिन आपने देखा है कि भीड़ भी बहुत थी, रहने के लिए रूम भी नहीं अवेलेबल थे, जैसे तैसे हमारा जुगाड़ हुआ और मैंने फिर से यहाँ पे जो कुंड में मत्था टेका और फिर से जल ग्रहण किया और फिर अपने रूम की तरफ गई। जल जो मैंने कलेक्ट किया था प्लास्टिक की बोतल में घर पे ले जाने के लिए मम्मी के लिए, और यहाँ पे सभी लोग देखो कितने प्यार से बैठे, इन्होंने एक एक पर्सन ने नवाब को प्यार किया, एक एक बंदे ने रुक रुक के कि भैरो, अरे वाह भैरो, एक एक बंदे ने प्यार किया है। वो उस टाइम की मेरे पास क्लिप्स नहीं है, वीडियोस नहीं है, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग और बहुत ही ओवरवेलमिंग था कि नवाब को इतना प्यार मिलना एक धाम पे, एक तीर्थ स्थल पे। और यहाँ पे बाबा को बाय बाय, क्योंकि सुबह हो चुकी है, सूरज भी निकलेगा थोड़ी देर में, और यहाँ पे आरती भी हो चुकी है और नंदी जी को मत्था टेकने आई हूँ फिर से। और ये जो नंदी जी की प्रतिमा है ना यहाँ पे, ये इतनी सुंदर और इतनी प्यारी है कि मैंने मिनिमम 10 मिनट यहाँ पे खड़े होके इनको देखा है अच्छे से। इतना प्यारा दर्शन, इतने प्यारा व्यू कहीं दुनिया में आपको नहीं मिल सकता। और ये जो धर्मशाला है इसका नाम है आगरा धर्मशाला, स्टे के लिए आप लोग एडवांस में बुकिंग कर सकते हो। तो हम लोग चले वापस बाबा के आखिरी दर्शन। आप सिर्फ हमारी यहाँ पे आस्था देखो, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। अदरवाइज आपने देखा जाते हुए भी नवाब को सबसे पहले माथा टिकवाया हमने, और अब हम वापस जा रहे हैं नीचे तो जाते हुए भी हम लोग माथा टिकवा रहे हैं। आप लोग सिर्फ हमारी आस्था देखो, हमारे भाव देखो, हमारा प्यार देखो हमारे बच्चे के लिए, कि हम लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे रखते हैं, कि जब आए हैं तो भी माथा टेकना है, जा रहे हैं तो भी माथा टेकना है। और ये आप लाइन देख सकते हो, ये दर्शनों की लाइन है। हाँ जी, ये इतनी बड़ी लाइन दर्शनों की है हेलीपैड तक। और बाबा को एक लास्ट बाय बाय, बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो है। और दिल इतना खुश हुआ है ना दर्शन करके कि मैं बच्चों। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और ये हमें पहला शॉर्टकट दिखा जो हमने लिया। पहले तो हम लोग कंफ्यूज थे कि पता नहीं हम शॉर्टकट ले रहे हैं कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए, लेकिन जैसे जैसे हम शॉर्टकट लेते गए और मेन रोड की हालत देखते गए, क्योंकि खच्चर बहुत ज़्यादा चलते हैं, सामने से आ रहे हैं पीछे से जा रहे हैं, और कीचड़ बहुत ज़्यादा था क्योंकि बारिश डेली बारिश हो रही थी, तो हमने सारे शॉर्टकट लिए। और ये हमारे लिए बहुत ईजी और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम थोड़ा खच्चरों से बच गए और थोड़ा ट्रैफिक से बच गए। पहले तो हम लोग कन्फ्यूज थे कि पता नहीं रास्ता ठीक होगा या नहीं, लेकिन ये बेस्ट डिसीजन रहा हमारे लिए, बेस्ट, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था खच्चरों का, बहुत कीचड़ थी। क्या चाहिए नाबू, क्या चाहिए आपको? ये लो नाबू, ओवर एक्साइटेड है, देखना देखना देखना, पागल हो रखा पूरा, आगे 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 भाग रहा है, इवन देख रहा है इसके पीछे इसके माँ बाप भी आ रहे हैं। भागो भागो भागो, मैं मेरे को चेक करने आ रहा, मम्मी आप आ रहे हो ना, गिर गुरा तो नहीं गए खाई में, भागे भागे जा रहा है, बहुत एक्साइटेड है। तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं ट्रैक पे, यहाँ पे नाबू बैठा है, नाबू ने थोड़ा रेस्ट किया। ये जगह है रामबाड़ा, और आप लोग खुद देख लेना यहाँ पे कि हम लोग कितने सुकून से, कितने अच्छे से आए हैं, क्योंकि शॉर्टकट से आए हैं। अब हम पूरे ट्रैक पे चलेंगे तो आप देखना कितनी भीड़ और कितने खच्चर मिलने वाले हैं, और ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है। हम लोग रात को निकले थे, आते टाइम जो हमने यात्रा की थी वो हमने 1 बजे स्टार्ट की थी रात को, तो हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला था, बहुत खाली ट्रैक था। मैं बोलूँगी कि ये बेस्ट डिसीजन है, आप जो ट्रैक करो वो रात को ही स्टार्ट करो, दिन में इतना ट्रैफिक है। वापसी में हमें 3 किलोमीटर का खच्चरों का जाम मिला, जो हम लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ये क्या हो रहा है, एक लाइन से खच्चर सब खड़े हुए थे। तो नवाब को चलने में भी दिक्कत थी, हमें भी चलने में दिक्कत थी, और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा था। अब हम ट्रैक से जा रहे हैं, और अब वापस पहुंच चुके हैं अपना गौरीकुंड, यहीं से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है 18 किलोमीटर का, यहीं से जाते हैं हम लोग। और हम वापस आ चुके हैं, और नाबू देख रहा है मम्मा की तरफ कि चलो फाइनली हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बाबा के दरबार में हम आए, हमारा सौभाग्य था, हमें बुलावा था। और देखो सब नवाब को छेड़ते हुए जा रहे हैं, सब प्यार करते हुए जा रहे हैं।
बेटू मिल तो लो, कैसे हो तुम, कैसे हो? नाबू के फॉलोअर हर जगह मिलते हैं। अब उतर रहा है कि चढ़ रहा है? नहीं उतर गया, वेट कर रहा है। तो नाबू की कोलकाता वाली फिल्म पर लेंगे। तो यहाँ से मैं आपको लेके चलती हूँ गोरी कुंड में। हाँ जी, जाते हुए हम लोग अंधेरे में थे, रात में थे, तो वीडियो नहीं बना पाए। ये है नज़ारा गोरी कुंड का और आप खुद से देख सकते हो कि हम इंसानों ने इसे कितना साफ सुथरा, कितना अच्छे से रखा हुआ है। और हमने नवाब को भी साइड में बिठाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। फिर भी लोग उससे मिल रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं। और ये देखो नाबू आराम से बैठा हुआ है। और इस जगह को आप देख सकते हो कि कितनी साफ सुथरी करी हुई है हमने। वहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं, चेंजिंग रूम बने हुए हैं, लेकिन हमें चेंज बाहर ही करना है, बाहर ही गंद फैलाना है। हमें सब सुविधा बनी हुई है लेकिन फिर भी। और यहाँ पे आ गई बारिश, थोड़ा सा हम लोग भाग के आए सामने से उस ट्रैक से चलते हुए। हम लोग बारिश में थोड़ा भीग भी गए, लेकिन नाबू को बारिश बहुत पसंद है, तो हम लोग यहाँ शेड के नीचे रुके हुए हैं और नाबू इंजॉय कर रहा है बारिश। ये देखो इसे कितनी पसंद है, कितने आराम से देख रहा है। और एकदम भीगता है तो उसको स्मेल भी करता है, स्निफ करता है बारिश को कि हाँ ये क्या हो रहा है। और ये मंदाकिनी नदी अपने ऊपर से ही साथ में चलती हुई आ रही है। और कुछ लोग बारिश में अभी भी भीग गए हैं, हम भीग गए थे और थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी मेरी। बारिश रुकने के बाद फिर हम लोग निकले गोरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए। मैंने आपको बताया था कि सोनप्रयाग से गोरीकुंड और गोरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए पिकअप वैन चलती है, जिसका किराया 50 रुपये होता है। और आप लोग यहाँ देख सकते हो कि नवाब बहुत अच्छे से अलाउड है। नवाब ऐसे ही इंजॉय करता हुआ गया था और ऐसे ही इंजॉय करता हुआ वापिस आ रहा है। और अब तो आते हुए बारिश मिल गई तो नवाब और ज़्यादा हैप्पी है। और इसका किराया 50 रुपये लगता है, 50 रुपये श्रद्धालु या 50 रुपये यात्री। और नीचे हम लोग सोनप्रयाग में ममता हमारा वेट कर रही है। पापा गए हैं भंडारा खाने, जब रोहन आ जाएंगे तो मैं खाना खाने जाऊंगी, मतलब कि भंडारा खाने जाऊंगी। अभी रोहन भंडारा खाने गए हैं और नवाब मेरे साथ बाहर बैठा है। हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके चलते हैं, मैनेज करके चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि नवाब की केयर और नवाब की नवाबी में सिर्फ घर ही होता है ये सब कुछ। नवाब की नवाबी में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। बाहर देखो इसको थोड़ा हमने ड्राई वॉश किया और इस थोड़ा से इसके कॉम कर रहे हैं। रोहन अभी हाथ से कर रहे हैं, उसके बाद हम कॉम से करेंगे। और ये देखो इसके इतने सारे ग्लिटर्स निकल रहे हैं। और हस्किस का तो आपको पता ही है कि हेयर फॉल कितना ज़्यादा होता है। और नाबू इतना गंदा हो गया था क्योंकि कीचड़ से निकल के आया था ट्रैक पे, बहुत हमें कीचड़ मिला था। यहाँ पे नाबू को हमने थोड़ा सा नहला दिया। तो अब हम निकलते हैं घर की तरफ। हम सोनप्रयाग से नोएडा के लिए घर के लिए निकल गए हैं। और अगर हमने इसको और ज़्यादा कंटिन्यू रखा तो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, आपको एक एक पॉइंट दिखाना चाहते थे, इसलिए ये व्लॉग इतना बड़ा हुआ। और अब व्लॉग की होती है एंडिंग। सो गाइस, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो और आप खुद देखो कि क्या सही क्या गलत।